वेलकम टू बायोटेक अड्डा। इन टूडेज वीडियो आई विल शेयर सम जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल। तो जो आज की जॉब है वो सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में निकली हुई है। 10 पोस्ट के लिए है ये। केंद्रीय नमक व समुद्री अनुसंधान संस्थान में ये प्रोजेक्ट लेवल की जॉब है जो निकली हुई है। देख सकते हैं आप CSMCRI में निकली हुई है। तो ये जो प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1 के लिए निकली हुई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CSIR CSM CRI APB 08 2020 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इसका आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। और ये जो जॉब है इसके लिए एप्लीकेशंस ये सब आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट्स। फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 7 पोस्ट है एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल के लिए 3 पोस्ट है। तो जो ये है सीधे जॉब पे आते हैं। जो क्वालिफिकेशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जिसके 7 पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? MSc होनी चाहिए आपकी। MSc आप बायोटेक्नोलॉजी में हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, बायोकेमिस्ट्री में हो, मरीन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब में आपकी MSc हो और आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ की रेलिवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस भी आपके पास होनी चाहिए। तो MSc वाले 6 मंथ के लिए डिजर्टेशन भी करते ही हैं। तो आपके पास 6 मंथ अगर आपने किसी लैब में काम किया हो या डिजर्टेशन किया हो, अगर आपके पास 6 मंथ का रिसर्च एक्सपोजर है, देन यू आर टोटली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट एसोसिएट जॉब। अदरवाइज इसमें और करके भी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन में कि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है या बीटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है और आपके पास अगर 6 मंथ का रिसर्च एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। ओके। और जो ये प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो जॉब है इसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको वर्क करना होगा कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो या माइक्रो एल्गी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एल्गल बायोमास। ये आपका वर्किंग एरिया है। वर्क ऑल्सो इन्वॉल्व्स बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, नैनो फर्टिलाइजर्स फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड बायो फर्टिलाइजर आस्पेक्ट्स। ओके। कैंडिडेट्स मे हैव टू एक्सटेंसिवली वर्क इन फील्ड एज वेल एज पर रिक्वायरमेंट। Preference will be given to the candidates having research expertise in upstream and downstream processing of micro and macro algal biomass for nutraceutical biofertilizer application and soil microbiology plant nutrition। तो आप इस पर ना जाएं ज़्यादा। अगर आपके पास basic ये qualification भी है, MSc in biotechnology ये और BTech biotechnology और 6 month का research experience है, then you can apply and you should apply। ओके। और जो फिर हमारी इसकी जो सैलरी है वो 31,000 रुपये, 31,000 पर मंथ। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट है ये। ओके। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल की जॉब निकली है। 3 पोस्ट हैं जिसमें। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी BSc होनी चाहिए, BSc या BRS, या तो आप एग्रीकल्चर से हो या बायोटेक्नोलॉजी से हो, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी या कोई भी प्लांट साइंस विद एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क्स। आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होना चाहिए। ओके। और जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल की जो जॉब है जिसमें 3 पोस्ट हैं, इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको वर्क करना होगा डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर्टेनिंग टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ मैक्रो एल्गल बायोमास एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। एक्सटेंसिव फील्ड वर्क में भी रिक्वायर्ड। इसमें सैलरी आपको 20,000 मिलेगी पर मंथ और मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर होनी चाहिए। ओके। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, द स्टूडेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट फॉर दिस जॉब, उनकी जो ये जो रिक्वायरमेंट जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी आप स्कैन कॉपी जो कि ड्यूली साइंड हो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, हम इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे देंगे। आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सॉफ्ट कॉपी होगी आपकी स्कैन ड्यूली अटेस्टेड की, उसको आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है विद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, विद बर्थ प्रूफ के साथ आपको उनको मेल करना है। मेल आईडी dineshkumar@csmcri.rec.in पे सेंड करना है मेल आईडी पे। हम आपको मेल आईडी भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर।
और आपको 28 अगस्त से पहले पहले अप्लाई करना है। जी हाँ, 28 अगस्त 2020 से पहले आपको अप्लाई करना है। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उनको उनके मेल आईडी पे वो इन्फॉर्म करेंगे। और इसका जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 4 सितंबर को 10:30 AM से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा वो स्काइप पे होगा, ओके। और जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्टेड या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को उनके मेल पे सेंड कर दी जाएगी। और जब आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाएंगे आफ्टर इंटरव्यू, तो फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा वहाँ पे। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट ए जॉब रिलेटेड टू CSM CRI में जो जॉब की वैकेंसी निकली थी उसके लिए। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप इसको अप्लाई करेंगे, और आपको अप्लाई करना भी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। और दोज स्टूडेंट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, या फिर जो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं, या जो फाइनल ईयर अपेयरिंग में हैं, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच।